वेलकम टू फसुमा किचन। आज हम लोग चीन का स्पेशल डिश पम्पकिन से बनाएंगे। ये चीन लोग बहुत 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 लाइक करके खाएंगे। ये बहुत टेस्टी फूड है, आप भी बना सकते हैं। आपको पसंद आया हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप भी बनाइए, बच्चे लोग को खिलाइए, दोस्त लोग को भी खिलाइए, एंजॉय करिए ये चाइनीज डिश। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं चीन की स्पेशल डिश, जो कि पम्पकिन और अंडे से हम बनाएंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है पम्पकिन, दो अंडे, मैदा, नमक और ब्रेड का क्रम्प। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पम्पकिन ले लिया है, देखिए इसे लाल कद्दू भी कहते हैं। इस तरीके का हमने एक कट करके ले लिया है इसका पीस। अब हम इसे कट कर लेते हैं टुकड़ों में। इस तरीके से इसके बीजे हम काट के साइड में कर देंगे। इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसका हम पीछे का छिलटा निकाल लेंगे। पीछे का छिलटा हमने निकाल के साफ कर लिया है। इसे भी हम इसी तरीके से पीछे का छिलटा निकाल के साफ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पम्पकिन को पीछे से छिलटा निकाल के साफ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे इस ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। तरीके के सारे पीस हम कट कर लेंगे। अब तो देखिए पम्पकिन को हमने इस तरीके से इसके पीस बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे बनाते हैं। हमने इसे एक बाउल में ले लिया है पम्पकिन के टुकड़ों को। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम धो लेते हैं पानी से। अब हमने इसे धो के ले लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। अब हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम अंडे को डालते हैं फोड़कर। दूसरा अंडा भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पम्पकिन में भी डाला है, इसलिए इसमें थोड़ा नमक हम डालेंगे और इसे इस तरीके से हम फेंट लेंगे। अंडे को हमने फेंट के यहाँ पर तैयार कर लिया है। हमने पम्पकिन, मैदा, अंडा और ब्रेड का क्रम्प यहाँ पर ले लिया है। अब हम पम्पकिन को पहले ले लेते हैं इस तरीके से चिमटे से। इसमें हम डाल देंगे मैदे में इसे। मैदे में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अंडे में डाल देते हैं। इसे हम अंडे में भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अंडे से इसे निकालेंगे और ब्रेड के क्रम्प में डाल देंगे। ब्रेड का क्रम्प इस पे अच्छे से हम लगा लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने पम्पकिन को बना के तैयार किया है, अंडा, ब्रेड का क्रम्प और मैदे से। अब हम सारे पम्पकिन के पीस को इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए सारे पम्पकिन के पीसेस को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। अब गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पम्पकिन। एक एक करके हम डाल देंगे। पम्पकिन के पीस हमने सारे डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे। देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। अच्छे से हम इन्हें ब्राउन कर लेते हैं।
पम्पकिन अब ब्राउन हो चुके हैं, हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारे पम्पकिन अच्छे से फ्राई होकर तैयार है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पम्पकिन और अंडे से चीन की बहुत ही स्पेशल डिश बना के तैयार की है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।